सने लुक्का चल गए। अभी तो मेरे पीछे दौड़ रहे थे। कितना पड़ेगा इनको? भाग गए साले। तू ठीक तो है ना? अरे ओ मैडम, मैं तू क्या होऊंगा? अरे मैं ठीक है। कैसे ये लोग तेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? अरे वो मेरे पीछे पीछे क्या भाग रहे थे? अरे मैं उनके आगे आगे भाग रहा था। अरे तुम आगे भाग रहे थे, वो तुम्हारे पीछे भाग रहे थे। तुम्हारे पीछे वो भाग रहे थे, आगे तुम भाग रहे थे। बात तो एक ही है ना? लेकिन हाँ, मैंने उनको अच्छा सबक सिखाया। कैसे भाग गए? अरे हाँ वो सब तो ठीक है, पर वैसे हमारे लपड़े में काहे को आ गए बीच में? तुम है कौन तुम? और ये हमारे फटे में टांग काहे को अड़ा रही तुम? मैंने बोला था क्या तुमको, बीच में आके टपक गए? अबे मैंने तेरी जान बचाई और उल्टा तुम मुझे डांट रहे। अरे मेरा बाप रे, अब छोटू दादा का इतना बुरा दिन आ गया तो छोटू दादा की जान छोकरे बचाएंगे? और हाँ मैडम सुन लो, मैं उनसे डर के नहीं भाग रहा था। तो फिर क्यों भाग रहा था? अरे मैडम ये छोटू दादा का स्टाइल है। छोटू दादा ना अपने दुश्मनों को घेर के मारता है। वैसे तुम भी अच्छे मारम कुटिया कर लेते हैं। मारम कुटिया क्या होता है? अरे मैडम मारम कुटिया बोले तो पैटम पार्टी अच्छी कर लेते हैं। कुछ भी अबे छोटू, तेरी और इसकी जोड़ी ना खूब जमेगी, पता लगाना पड़ेगा कहाँ रहती है। अरे मैडम, मैडम। बोलो क्यों आवाज दी मुझे? कुछ काम था क्या मुझसे? नहीं कोई काम नहीं है, बस ऐसे रोक लिया। इसका मतलब कोई काम धंधा नहीं करते हो? ऐसे रिका में घूमते हो गांव में? हाँ अभी तो रिका में ही हूँ, पर जैसी मेरी शादी हो जाएगी ना कोई काम धंधे पे लगी जाऊंगा। मैडम गाड़ी आ गई। हाँ मैडम, मतलब मैं यहाँ की थाने इंचार्ज हूँ, अभी अभी ट्रांसफर हुआ है मेरा यहाँ। और हाँ यहाँ के सभी छठे हुए बदमाशों की लिस्ट आ गई है मेरे पास, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम तुम्हारा है। थोड़ा संभाल कर रहना। हाँ छोटू, गलत जगह पंगा ले लिया तूने, अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर लगा ले। चलो यार जल्दी, बहुत लेट होगा आज अपन। और दादा कैसा? दम मस्त। और काम धंधा? काम भी जा रहे ना दादा। चलो ठीक है मिलते बाद में। चल चलते छोटू। और ये कितने का है दादा? अरे ये 500 रुपये का है। और ये कितने का है? अरे वो 250 रुपये का है। और ये 350 रुपये का है। चल जाता है यहाँ से, हमेशा वहाँ पूछता चल जा। अरे जा बोला ना। गरीब आदमी को धक्के मुक्के क्यों मार रहे हैं? ये गरीब है तो इसका मतलब ये हमको आके सताएगा। ये 4 दिन हो गए दुकान लगाने, ये रोज आ रहा और सिर्फ भाव पूछ के जा रहा। एक बात बता, हमने दिवाली का धंधा करना है, खाली इसको रोज भाव बताते रहना। क्या चीचा, तुम भी रोज आके भाव पूछ के क्यों चल जा रहे? अरे लेने का तो एक ही बार में ले लेना ना। कहाँ से लूँ बेटा, मैं परेशान आदमी, मेरे पास कहाँ पैसे है? वो घर पे मेरा पोतरा है, बिन माँ बाप का बच्चा, रोज मेरे पीछे जीत कर रहा हो। दादा फटाके ला के दो, दादा फटाके ला के दो। अब मेरे किसे में 10-20 रुपये है, तो मैंने सोचा आज नहीं तो कल भाव कम हो जाएंगे और पोरे के वास्ते फटाके लेके चले जाऊंगा। क्या गलती करा बेटा मैंने? ये देखो इतनी महंगाई के दौर में ये बुड्ढा घर से 10-20 रुपये लेके निकल रहा फटाके खरीदने के वास्ते। तुम्हारी तो अबे ऐसा क्या कर रहा, अबे पटाखे की दुकान है ना इधर। अबे हमने बहुत आयतबा से दुकान लगाई रे भैया, ऐसा मत कर। चलो
अबे रुक जा चलो। अबे बाबा अबे हम तेरे कोई काम में आके तांग अड़ाते क्या? अबे जब से तूने हमको मारा आते क्या हम तेरे बीच में? अबे रुक रे, अबे ऐसा मत कर, अबे वो अंगार दूर कर ले मेरे बाप। oh, no. दूर कर ले तो जल्दी से ये गरीब को पटाके, तो अभी तुम्हारी ये पटाके की दुकान जला के ना दिवाली बना लूंगा। अरे नहीं रे भैया, अरे दुकान दुकान मत जला, ये अच्छा गुना जो पटाखा वाला हम दे रहे, लो ये लेके जाओ। अरे ये लो, ये भी लेके जाओ। क्या पे सालो, कोई भी सीधी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है ना, उंगली टेढ़ी ही करना पड़ती। तो चीचा, ये पटाखे तुम्हारे पोतरे को दे दो। छोटू तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पोते की और मेरी तरफ से तेको हैप्पी दिवाली, तेको ऊपर वाला खुश रखे। चल जाता मैं। देखा वो बुड्ढे को, पटाखे अपने से लिया और दुआ उसको दे रहा। चलो पटाखे ले लो पटाखे, ये दिवाली के भारी भारी पटाखे आ गए। अरे आज दिवाली का दिन है, इतना बड़ा त्योहार है और तुम सब उदास क्यों बैठे? अब क्या बताना दादा तेको। अरे यही क्या तुम उदास क्यों बैठे? अरे दादा तू ही बता, ये साल हमको कंपनी से बोनस नहीं मिला, अब हम बच्चों के लिए पटाखे और कपड़े कहाँ से लाएंगे? इस साल हमारा त्योहार ही खराब हो गया। अरे पर हर साल तुम्हारा सेठ तो तुमको बोनस दे देता ना। पर इस साल नहीं दिया उसने। और इस साल क्यों नहीं दिया उन्हें? अरे दादा सेठ का बोलना है कि इस साल कंपनी घाटे में है। दादा अब देखो तो मालूम है हम बोनस के भरोसे बैठे रहते, अब बोनस मिलेगा तो हम दिवाली मनाएंगे। अरे दादा हमारे समझ में नहीं आ रहा इस साल हम दिवाली कैसे मनाएंगे। अरे कल्लू भाई तुम रो मत, अरे हर साल की तरह तुम ये साल भी दिवाली मनाएंगे, ये वादा है छोटू का तुमसे। अरे कल्लू भाई रो मत, अपने छोटू दादा पे मुझे इतना भरोसा है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ करेगा। ए, कौन है तू? अरे मेरा छोड़, तू कौन है ये बता? अरे मैं सेठ का मैनेजर है। अबे मैं जितना बोल रहा ना उतना सुन, जा तेरे सेठ को बुला। सेठ नहीं आते, कुछ काम होगा, चल मेरे साथ अंदर बात कर ले सेठ से। ये देख रहा ना, अगर मैं अंदर गया ना तेरे सेठ की दिवाली खराब हो जाएगी। चल बुला। अभी लाता बुला। ये मिलना चाहता है। अरे है तेरा क्यों? कंपनी के मालिक तुम ही है क्या? हाँ मैं हूँ मालिक। अरे वाह सेठ, क्या बंगला सजाया तुमने, क्या कपड़े पहने। अरे आज दिवाली है, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, घर सजाना पड़ता है। ये सब देख के कैसा लग रहा है तुमको? अरे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम वर्करों का क्या, तुम्हारी कंपनी में काम करते उनके घरों में अंधेरा है। अरे मैं मेरे वर्कर को हर महीना पगार देता हूँ। तुमने उनको दिवाली का बोनस क्यों नहीं दिया? अरे मेरी कंपनी घाटे में है, मैं कैसे बोनस दूँ उनको? इसका मतलब वो तुम्हारे वर्कर नहीं पार्टनर है क्या? नहीं नहीं मेरे वर्कर है, मैं बढ़ा के क्यों दूँ? जब तुम उनको फायदे में भागीदार नहीं बना रहे हो तो नुकसान में क्यों? हाँ यार तेरी बात में दम, अगर मैं मेरे फायदे में उनको भागीदार नहीं बना सकता तो मेरे नुकसान में क्यों? फिर वर्करों के बारे में क्या सोच रहे भीर? अरे बुला सबको, मैं अभी के अभी सबको पेमेंट करता हूँ। क्या बात है सेठ, तुम मेरे को बहुत समझदार लग रहे हो, थोड़े में समझ गया तू। हेलो कल्लू, सेठ के बंगले पे आ जा। हाँ दादा आ गया मैं। ले कल्लू अपने सब वर्करों में बोनस बांट दे। हाँ मालिक। ले कल्लू बांटे सब में पैसे। हाँ छोटू चल। आज तूने मेरी आंखें खोली, मेरे आजू बाजू वाले ना ये सब बातें मुझे बताते नहीं। हाँ लेकिन आज के बाद मेरे वर्कर को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं सबको बोनस हर साल बांटूंगा। बात है सेठ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली छोटू। हाय दोस्तों, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से सभी दोस्तों को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। छोटू दादा ने बनाई गरीबों के साथ दिवाली,
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।